इस वक्त मेरा सवाल खंबाटा जी आपसे है, क्या वजह है आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है, काफी संगीन आरोप है। हम सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये काम अदालतें देखेगी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतने संगीन आरोप होने के बावजूद क्या वजह है, कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी, क्या कहीं कोई एक्सटर्नल सपोर्ट है, कोई फेवर है जो बचाए रखता है इनको। सबसे पहले मेरे को ये जो उन्होंने बोला था कि अपने उनके अंदर से ही जो आरोप आते तो बोलते उनके आदमी होते फिर उनको निकाल देते इसलिए आते, हम लोग भी कंपनीज चलाते, दूसरी कंपनीज में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं, आते जाते आदमी रहते हैं, बट इस तरह आरोप लगा के आदमी नहीं जाते। अगर हर आदमी इस तरह आरोप लगा के हर कंपनी में जाएगा तो फिर कितने सारे सब लोग सीईओ कोर्ट में होंगे या उन लोग को यही सब झगड़ा करना होगा। सो मेरा इसका कहने का मतलब है कि ये लॉजिक बैठ नहीं रही है कि जस्ट बिकॉज उनका जो आदमी काम करता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता वो आरोप लगाता है। सो दैट इज नॉट अ लॉजिक विथ सुसियर, समथिंग शुड बी समवेयर रॉन्ग। अगर हर आदमी बोलता है तो कहीं कुछ होगा प्रॉब्लम। दूसरी बात की अगर जो आपका क्वेश्चन था कि बापू जी के सामने इतने सारे आरोप लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे बापू जी के बारे में थोड़ा ज्यादा जितना पता है नहीं, लेकिन जितना पता था वो ये दिसंबर के जो रेप केस पे उन्होंने जो टिप्पणियां रखी थी कि वो लड़की को राखी बांधनी चाहिए थी, और दूसरी टिप्पणी रखी थी कि लड़की ने बस में क्यों बैठी क्योंकि उसको ज्यादा लेडीज हो तो ही बैठना चाहिए, तो यू नो ये सबसे थोड़ा मेंटालिटी पता चलती है सामने वाले की क्या मेंटालिटी है। बट बापू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, उनके पास बहुत सारे उनके भक्त है, उनके पास पॉलिटिकल पावर बहुत है। सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर आज की तारीख में जो मैं एज आज के जो नए रेप लॉज एंटी रेप लॉज क्या कहते हैं कि अगर एफआईआर होती है तो सबसे पहले किसी को पकड़ा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक बापू को बिकॉज ऑफ मे बी जो उनका कद है या उनका जो प्रभाव है उसके कारण ये नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली जो मैं अभी सच झूठ का तो अभी तो बात ही नहीं है, अभी तो इट्स इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो आई पर्सनली फील के बिकॉज ऑफ ऑल हिज पॉलिटिकल क्लाउड उनके जो भी आरोप लगते हैं वो खारिज हो जाते हैं, या यू नो लेट्स वेट फॉर दिस वन ऑल्सो, क्योंकि जितना मैंने जो सुना है कि अगर जो एफआईआर जीरो एफआईआर लॉज हुई और वो जब लड़की की मेडिकल हुई तो उसमें इट वॉज प्रूव्ड के ये तो प्रूव हुआ है कि लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। चलो।